स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। उत्तराखंड अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से दहल उठा है आज। जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से गुस्साई यमकेश्वर के स्थानीय लोगों ने विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, वहीं दूसरी ओर आरोपित पुलकित आर्य के फैक्ट्री में आग लगा दी, जहां पर आंवला कैंडी बनाने का लघु उद्योग चल रहा था। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि पुलकित आर्य की इस फैक्ट्री के बनने के कई सालों बाद वनंतरा रिजॉर्ट को बनाया गया था। यह रिजॉर्ट पुलकित की अय्याशी का अड्डा था। फैक्ट्री में भी कई अनैतिक कार्य होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बताते चले कि अंकिता भंडारी के शव की शिनाख्त होने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए उसे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश लाया गया, जिसके बाद यहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। वहीं यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट को भी स्थानीय ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद वह वापस लौट गई। लोगों का आरोप है कि उन्होंने देर रात संबंधित रिसोर्ट पर जेसीबी चलाकर अंकिता भंडारी के कमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे मौके पर ही साक्ष्य नष्ट होने की आशंका लगाई जा रही है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।